खेत में काम करने के दौरान विद्युत विभाग की लापरवाही से बेलों को लगा करंट, मौके पर हुई मौत। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के ग्राम ठीप गांव में खेत पर काम करने के दौरान बेलों को विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते करंट लग गया, जिससे कि बेलों की मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे हादसे में किसान का 1 लाख का नुकसान हो गया है। किसान नुकसान की भरपाई के लिए शासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते बेलों की मौत हुई है। ऐसे में किसान हेमराज यादव ने चेतापुर चौकी में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और मामले की जांच शुरू कराई। हालांकि मामले में चेतापुर पुलिस ने संज्ञान लेकर पशु विभाग के डॉक्टरों को सूचना देकर बेलों का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। गाँव ग्राम टिपगांव का मामला है। बड़े भैया हेमराज यादव के बेल खेत में और चल रहा था तो एमपीबी की लापरवाही से उसमें करंट आ गया था तो दोनों बैलों की स्पॉट पे ही मौत हो गई है। कैसे पता चला आपको? जी उसको इंसुलेटर में ऊपर चीनी ने लगी हुई है, उसमें तो पूरी तान में करंट आ गया था, उसे बैलों का और लगने से उनमें मौत हो गई। कीमत क्या होगी? बैलों की कीमत करीबन 1,75,000, कम से कम 1 लाख ऊपर होगी। क्या मांग करते हम शासन जी का? मुआवजा दिया जाए, इसका खेती का काम बने, आप दूसरे बैल लाएंगे जब भी खेती होगी। क्या नाम लिख दो? मेरा नाम राकेश यादव। ग्राम ठिपगांव का एक मामला सामने आया है। एक हेमराज नरसिंह यादव के खेत में बेलों को करंट लगा है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। यह आवेदन प्राप्त हुआ है, इसकी जांच कर रहे हैं। अभी जांच के लिए दिया है। प्रधान आरक्षक विकास पवार। ग्राम ठिपगांव में बेल्स को करंट लगने की सूचना मिलने पर लाइनमैन को वह स्पॉट पर देखने के लिए भेजा गया है। बेल स्टेज में सिंह अटक के मरा पड़ा हुआ मिला है। दूसरा बेल भी उसी के साथ मरा पड़ा मिला है। बेल मालिक और स्पॉट पे देखने वाले लोगों को बताया गया है उनके द्वारा कि करंट लगने से बेल की मौत हुई है, परंतु वहां पर यथास्थिति का जांच स्पॉट पे वेरिफिकेशन और जांच का विषय होने के कारण अभी ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि करंट से मौत हुई है या नहीं हुई है। जांच का विषय है, जांच के बाद ही स्पष्ट सामने आएगा कि करंट से लगने के कारण मौत हुई है। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट, खरगोन। मार की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज डिमांड को सब्सक्राइब जरूर करें।